मैं आप लोगों के माध्यम से सोलन की जनता को बताना चाहता हूँ कि 16 जुलाई 2022 को हमारे कार्यालय में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक रखी गई है, जिसमें जैसा कि आपको पहले से ही विदित है कि बसों के परमिट ट्रांसफ़र, बसों के परमिट रिन्यूअल या बसों के जो सीटिंग कैपेसिटी की एप्लीकेशन हैं इन पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो ऑटो के ट्रांसफ़र के परमिट हैं लोगों के बीच जो सेल परचेज हुई है, या ऑटो के रिन्यूअल के परमिट हैं, या ऑटो के जो न्यू ऑटो की एप्लीकेशंस है उन पर विचार किया जाना है। हमारे कार्यालय में लगभग 50 के आसपास बस ट्रांसफ़र के आवेदन आए हैं और रिन्यूअल के लगभग 10 से 12 आवेदन आए हैं, और जो हमारे रिडक्शन ऑफ सीटिंग कैपेसिटी के जो आवेदन हैं वो भी लगभग 45 से 50 की संख्या में हैं, और न्यू रूट जो अलॉटमेंट होने हैं वो लगभग 2019 में ये रूट विज्ञापित हुए थे, उसके पश्चात कोविड के कारण इन पर विचार नहीं किया जा सका। तो इनके लिए हमारे पास 200 से अधिक एप्लीकेशन हैं, उनको ड्रा ऑफ लॉट के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। तो जिन लोगों ने भी आवेदन किया है उन न्यू रूट के लिए, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो 16 तारीख को समय लगभग 12 या 12:30 बजे के आसपास जो है इस कार्यालय में आए, क्योंकि वो जिसने नया रूट आवेदन किया है उसके सामने ही उसका लॉट्स निकलना है। अगर कोई उसमें उपस्थित नहीं हुआ तो फिर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे अन्य डिफरेंट कैटेगरीज के आवेदन हैं तो वो भी बहुत सारे आवेदन हमारे पास लंबित है, अभी अभी आए हैं, तो उन पर विचार किया जाना है। तो हमने लोगों को जो है उनके एड्रेस दिए गए पतों पर चिट्ठियाँ भी भेजी है, लेकिन जिन लोगों को कोई हमारी चिट्ठी प्राप्त ना हुई हो उनसे मेरा आग्रह है कि जो हम मीडिया में या न्यूज़पेपर्स में जो सूचना दे रहे हैं उससे आप जानकारी लेकर आप 16 तारीख को 12 बजे के आसपास इस कार्यालय में उपस्थित होएं और आपके आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा।